Good morning, everyone, and welcome to the second trial class for PM March 2023 exam. We had started chapter number 5 yesterday. Uska kafi portion we had done. Aaj start karenge usme thoda sa aage wala topic. That aage wala topic relates to completion of that chapter. Toh aaj us chapter ko hum complete kar denge. I'll just bring the PPT in front of you all. Just confirm me, aapko PPT saamne dikh rahi hai na? सामने आ गई सीवीपी एनालिसिस की ओके चलिए सो वी हैड कंप्लीटेड मेन पिलर देन दीज फॉर्मूलाज मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम किट क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर चुके थे दिस वाज डन हबर्ड वाला क्वेश्चन वाज डन एंड दिस वाज डन राइट यस मैम अपॉन सेल्स ओके नाउ लेट्स जस्ट बिगिन इसके आगे क्या है अब हम आते हैं ब्रेक इवन चार्ट की तरफ ना व्हाट इज दिस ब्रेक इवन चार्ट सो एक्चुअली ब्रेक इवन चार्ट की रेलेवेंस तब तक बहुत ज्यादा हुआ करती थी जब तक एग्जाम्स पेपर बेस हुआ करते थे व्हाई बिकॉज पेपर बेस एग्जाम में एक चार्ट ड्रॉ करना उसको एक्सप्लेन करना वाज स्टिल मैनेजेबल बट जब से ये कंप्यूटर बेस एग्जाम हुआ ये चार्ट बनाना नाउ दिस डजंट कम इन द एग्जाम ब्रेक इवन चार्ट हो चाहे प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट हो अब ये चार्ट्स बनाने नहीं आते लेकिन इंटरप्रेट करने जरूर आते हैं दैट मींस यू मे बी आस्क्ड टू इंटरप्रेट कि ये चार्ट जो है इससे क्या सिचुएशन पता चल रही है एक बिजनेस की सो आई विल जस्ट शो यू कि ये चार्ट कैसा होता है क्या होता है सो वी कैन सी हियर एक कोई भी ग्राफ बनता है वी हैव टू एक्सेसेस एक एक्स एक्सेस होती है एक वाई एक्सेस होती है बीच वाला पॉइंट ओरिजिन कहलाता है हम हमेशा जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है इस पे अमाउंट्स लेते हैं और जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि जो लेटी हुई लाइन है जो एक्स एक्सिस है उस पे हम नंबर लेते हैं ये नंबर ऑफ इयर्स हो सकते हैं ये नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकती हैं इट कैन बी एनीथिंग लेकिन अमाउंट यूजुअली इज टेकन ऑन दी वाई एक्सिस अब सबसे पहली चीज इसमें ये जो डायरेक्ट कर्व होता है ये सेल्स रेवेन्यू कर्व होता है Now to give you a feel of sales revenue curve ऐसा क्यों होता है अगर इस पर सिंपल लॉजिक लगा के देखेंगे अगर हम इतनी यूनिट्स बेचेंगे तो रेवेन्यू इतना आएगा इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो ये पहला पॉइंट आता है जब हम ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको एक और पॉइंट मिलेगा हम और यूनिट्स बेचेंगे तो और रेवेन्यू आएगा तो उससे एक तीसरा पॉइंट मिलेगा और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके सेल्स रेवेन्यू की लाइन बनती है सो सेल्स रेवेन्यू लाइन बिल्कुल लॉजिक से नीचे से ऊपर बढ़ती हुई लाइन होती है यानी जितनी यूनिट्स आप ज्यादा बेचते जाएंगे उतना ही रेवेन्यू आप ज्यादा कमाते जाएंगे क्या सेल्स रेवेन्यू लाइन में किसी को कोई डाउट है बताओ नो मैम नो मैम ठीक है सेकेंड कर्व आता है फिक्स कॉस्ट कर्व या फिर फिक्स कॉस्ट लाइन अब ये फिक्स कॉस्ट लाइन ऐसी स्ट्रेट क्यों दिख रही है इसलिए कि आप चाहे इतनी यूनिट्स बना के बेचें चाहे ज्यादा यूनिट्स बना के बेचें फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इसलिए ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यानी आप कितना भी प्रोडक्शन करते रहे फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड ये लाइन क्लियर है सबको यस मैम तीसरी लाइन होती है वेरिएबल कॉस्ट लाइन ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन सेल्स रेवेन्यू के जैसी होती है लेकिन बिल्कुल सेल्स रेवेन्यू के बराबर नहीं चलती क्यों स्टार्टिंग में क्या होता है जितनी यूनिट्स आप बनाते हैं उसके बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो डबल आउटपुट के साथ डबल वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती व्हाई आपको क्वांटिटी डिस्काउंट्स मिलने लग जाते हैं बल्क डिस्काउंट यानी आपका बिजनेस इतना ग्रो होने लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग का साइज उसकी प्रोडक्शन को अफोर्डेबल बना देता है लेट सपोज हम 100 यूनिट्स बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेटली 10,000 की जब हम 200 यूनिट्स बनाएंगे तो 20,000 आ सकती है लेकिन जब हम 10 टाइम्स इसका बनाने लग जाएंगे यानी 1,000 यूनिट्स बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरर यानी कि जो सप्लायर है रॉ मटेरियल का उसको भी दिखेगा कि यार मुझे बड़ा बिजनेस मिल रहा है इससे तो सिंपल फंडा एक किलो का रेट अलग 1,000 किलो का रेट अलग तो वो अपने आप क्वांटिटी डिस्काउंट देगा
एंड इट विल गेट रिड्यूस्ड, नॉट रिड्यूस्ड एज इन यहां पे क्या चल रही थी, ये 100 rupees चल रही थी या $100 चल रही थी, सो इट विल नॉट बी 1 lakh, इट विल बी 80,000 के आसपास, 90,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या डिस्काउंट मिला है आपको आपके सप्लायर से. सो द बेसिक आइडिया व्हाई सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में गैप बढ़ता जाता है इज जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट पे आपको डिस्काउंट्स मिलने लग जाते हैं, आपके बिजनेस रिलेशनशिप सप्लायर के साथ इतने अच्छे होने लग जाते हैं दैट ही स्टार्ट्स गिविंग यू मोर डिस्काउंट मोर ऑफर्स. इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कर्व सेल्स रेवेन्यू से नीचे रहता है एंड दिस गैप्स कीप ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन. ये बात सबको समझ आती है, बताओ? यस सर. ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ. What is this difference between this sales revenue and variable cost? What is this portion? Contribution. So this is contribution. कि आपका product initial level में contribute कम करता था, लेकिन जैसे जैसे production बढ़ता चला गया because of reduction in variable cost, sales revenue तो उतना ही आएगा. Selling price नहीं कम होती है कि production बढ़ गया तो selling price हमारी कम हो जाएगी, लेकिन cost of production कम होने लग जाता है, लार्ज स्केल इकोनॉमीज आने लग जाती है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाता है. सो दैट्स द डिफरेंस जो आपने कल फॉर्मूलाज में देखा था वो आप यहाँ पे प्लॉट करके बता सकते हैं. एक और लाइन आती है टोटल कॉस्ट लाइन. अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं. व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट हैज टू एलिमेंट्स. टोटल कॉस्ट मतलब जितनी भी कॉस्ट इनकर की जा रही है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों होती है. यानी ये जो टोटल कॉस्ट होगी ये बिल्कुल पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट चलेगी. क्यों? टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट. यानी इन दोनों में गैप सिर्फ एक ही है, वो है फिक्स कॉस्ट का गैप. बाकी तो इन दोनों में बिल्कुल पैरेलल चलने वाली चीजें हैं. सो टोटल कॉस्ट विल बी पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी व्हाट? फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट. और ये देखो, ये रही फिक्स कॉस्ट, दिस वॉज दी फिक्स कॉस्ट, राइट? इनका स्टार्टिंग का गैप देखो, ये ब्लू वाली लाइन है वेरिएबल कॉस्ट लाइन, येलो वाली लाइन है टोटल कॉस्ट लाइन. स्टार्टिंग पे यानी जब मैन्युफैक्चर नहीं भी कर रहे हो तब भी टोटल कॉस्ट कुछ है. वेन यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, वेन यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, तब भी टोटल कॉस्ट कुछ है. ये क्या है भाई? वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर होगी नहीं जब आप कुछ बनाएंगे ही नहीं. ये क्या है? दिस इज फिक्स कॉस्ट. And this is the gap which will always be there between variable cost and total cost. Always. क्योंकि fixed cost हमेशा इन दोनों के बीच में एक gap create करके रखेगी. लेकिन अगर हम variable cost देखें तो variable cost origin से चालू होती है. क्यों? अगर हम कुछ बनाएंगे नहीं तो काहे की variable cost. लेकिन fixed cost के reference में हम ऐसा नहीं बोल सकते. अगर हम कुछ नहीं बनाएंगे तब भी fixed cost तो इनकर होगी. For sure. Getting the point? बताओ इन चारों पांचों curves में किसी को कोई confusion की ऐसे क्यों है? बताइए. मैम clear. Clear? अब एक point आ रहा है. ये point क्या होता होगा? जहां पे sales revenue और total cost intersect कर रहे हैं. Intersect करने का मतलब बराबर है. Break even point. Break even point. This is break even point. ये बराबर कैसे आ रहे हैं? In number of units पे इतना अमाउंट इज द टोटल कॉस्ट एंड इतना ही अमाउंट इज सेल्स रेवेन्यू. दैट मींस दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. यस और नो? एंड दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट्स. करेक्ट बोला मैंने? यस मैम. दिस इज अ पॉइंट वेयर योर सेल्स रेवेन्यू एंड योर टोटल कॉस्ट आर इक्वल. इसका मतलब आप बचा कुछ भी नहीं रहे हैं. जो टोटल कॉस्ट लग रही है वही सेल्स रेवेन्यू आ रहा है. दैट मींस यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग एट ऑल. तो ये क्या हुआ? दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट. नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. करेक्ट? करेक्ट, यही बोला मैंने. यस मैम. ठीक है. यस मैम. अब ये क्या है? लेट सपोज नाउ आई एम मैन्युफैक्चरिंग दिस मच यूनिट्स और आई एम सेलिंग दिस मच यूनिट्स. तो ये जो येलो लाइन दिखा रही है ये क्या है? व्हाट इज दिस? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यस, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ये सब जो हम अभी कर रहे हैं यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये पर्टिकुलर एरिया क्या दिखाता है.
दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत? नो मैम. ठीक है. अच्छा, अब एक और लाइन इसमें अराइज हुई है, ये वाली लाइन. ये सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है. टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट है. ये कवर कर लिया हमने अभी बिफोर दिस कुड कम, उससे पहले कर लिया. अब ये जो व्हाइट लाइन आई है ये क्या है? ये देखो, ये व्हाइट लाइन प्रॉफिट, सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस इज प्रॉफिट. प्रॉफिट, ठीक है, करेक्ट. बताइए जी, व्हाट इज दिस येलो लाइन? करेक्ट, सही पकड़े हैं, क्वेश्चन यही पूछेगा. ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट की तरफ. इस चार्ट में कहीं किसी को कोई दिक्कत, फटाफट एक बार नजर घुमा लो, कहीं कोई चीज समझने में दिक्कत आई हो देख लो फटाफट, जहां अटके हो बताओ. मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बार बता दें. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमने यहां से बीपी की यूनिट्स निकाल ली, दिस इज बीईपी यूनिट्स. नाउ लेट सपोज हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं और इतना सेल कर रहे हैं. नाउ व्हाट विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बजटेड सेल्स और बीपी सेल्स का डिफरेंस, यानी कि ये जो भी एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है, डन, क्लियर एवरीवन? बढ़ जाओ आगे. हाँ जी, यस. चलो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पे आते हैं. अब ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसा होता है? ये अलग अलग लेवल्स ऑफ वॉल्यूम पे, यानी अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पे प्रॉफिट बताता है. तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, यानी कि वाई एक्सिस पे आपको नेगेटिव वैल्यूज भी दिखानी है. ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है. कॉन्सेप्ट अभी भी वही है. एक्स एक्सिस के ऊपर आपको लेनी है नंबर ऑफ यूनिट्स, वाई एक्सिस के ऊपर आपको लेना है अमाउंट. लेकिन एक चीज अलग है, हम यहां से, अच्छा इस जीरो को मैं यहां से हटाती हूं, इसको यहां डालती हूं. ये वाला जो पॉइंट है, मुझे जीरो से नीचे भी इसमें कुछ एक्सेस चाहिए, मुझे जीरो से नीचे भी कुछ देखना है. क्या देखना है? लॉस भी तो हो सकता है, उस लॉस को देखना है कि अमाउंट जीरो से नीचे भी जा सकता है, यानी नेगेटिव में भी जा सकता है, यानी प्रॉफिट या लॉस नेगेटिव भी आ सकता है. सो आई हैव टू टेक दिस चार्ट जीरो से नीचे भी. तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का सबसे पहला रूल ये होता है. लेट मी करेक्ट दिस, ये जीरो पता नहीं नीचे यहां क्यों सरक गया, इधर आएगा. ठीक है, अब देखते हैं आगे. इस तरह का बनता है ये, कैसे? एक एक चीज दिखाती हूं. पहले ये लाइन समझते हैं. ये लाइन क्या है? ये जो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, इससे पहले आपको लॉस होता है, फायदा नहीं कमा पाते आप. यहां पे जाके जब इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाने लगते हैं, तब प्रॉफिट या लॉस जीरो पहुंचता है. यानी ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? बीपी का पॉइंट. बीपी से पहले आप जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, आप उसमें कमाएंगे लॉसेस. जैसे अगर हम इतना प्रोडक्शन करेंगे तो हम उल्टा लॉस में जा रहे होंगे. इतना प्रोडक्शन करेंगे तो लॉस ज्यादा होगा, धीरे धीरे लॉस कम होता चला जाएगा और एक लेवल आएगा जहां पे हमारी बीपी पहुंच जाएगी. बीपी के बाद क्या होता है? प्रॉफिट कमाने लगते हैं. यानी इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स के बाद में अगर हम इतना प्रोडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट. दिस विल बी प्रॉफिट पहला जो हम कमाएंगे. हम और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ेगा. हम और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट और बढ़ेगा. यानी एक सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपके बीपी के बाद में प्रॉफिट्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. यानी ये वाला जो एरिया आएगा, ये एरिया होगा प्रॉफिट का, और नीचे वाला जो एरिया होगा ये होगा लॉस का. दिस इज लॉस एरिया, दिस इज प्रॉफिट एरिया. करेक्ट, इसका लॉजिक समझ आया? सो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में हम क्या दिखाते हैं? हम प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में सिर्फ और सिर्फ कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स पे क्या कमाया है वो दिखाते हैं. हम इसमें वेरिएबल कॉस्ट शो नहीं करते, हम इसमें टोटल कॉस्ट शो नहीं करते. हम ये शो करते हैं कि नेट भैया हमारे पास बच क्या रहा है. कुछ लेवल तक पे, यानी बीपी से पहले पे, हम सिर्फ लॉस कमा रहे हैं. बीपी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आएंगे, और बीपी के बियॉन्ड
हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे आ जाएंगे। सो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कमाई दिखाता है, ये बाकी आइडियाज आपको नहीं देता। नो कॉस्ट एस्टिमेशन, नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें मिल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एरिया कौन सा आएगा, ये यहां से लेकर जितना भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, समझे। लेकिन कॉस्ट नंबर्स आपको इसमें नहीं मिल पाएंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस मैम। इसके दो और नाम भी होते हैं, इसको प्रॉफिट ग्राफ या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ग्राफ भी बोलते हैं। ये ठीक है, ये तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिखने में काम आना चाहिए, कभी आप सोचो कि ये कौन सा ग्राफ आ गया भाई, ठीक है। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे इसका आंसर। ये ग्राफ आपको दिया हुआ होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज द शेडेड एरिया ऑन द ब्रेक इवन चार्ट अबव रिप्रेजेंट। शेडेड एरिया मतलब ये वाला पूछ रहा है। पहले तो ये बताओ, ये जो चार्ट है क्या ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है या ब्रेक इवन चार्ट है? ब्रेक इवन चार्ट है। सबसे पहली बात तो ये ब्रेक इवन चार्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट लाइन नहीं है। मुझे कैसे पता चला? प्रॉफिट लाइन होती तो वो ओरिजिन के नीचे जा रही होती। सो दिस इज ब्रेक इवन चार्ट। अब ब्रेक इवन चार्ट में वो ये पूछ रहा है कि ये वाला जो शेडेड एरिया है, व्हाट इज दिस एरिया? चारों में से अपने ऑप्शंस, अरे वाह, चैट बॉक्स में लिख दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीवन इज सेइंग लॉस। चलो अब तुम सब इतना ज्यादा मिलके डिसाइड कर रहे हो, लेट्स गो विद द मेजॉरिटी, ऐसा कुछ। अच्छा अब मैं क्वेश्चन बदलती हूँ। ये तो ठीक है, तुमने सीधा सीधा निकाला। आई लास्ट, व्हाट इज दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, इंप्रेसिव, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, अग्रीड। आई लास्ट अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज दिस लाइन? मान गए गुरु, छा गए गुरु, छा गए, दिस इज सेल्स रेवेन्यू, करेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस लाइन? व्हाट लाइन इज दिस? थोड़ा सा ध्यान से, एक दो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, बी वेरी केयरफुल। व्हिच लाइन इज दिस? यस आशीष, करेक्ट 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 करेक्ट। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट लाइन, दिस इज टोटल कॉस्ट लाइन, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ये टोटल कॉस्ट लाइन है। तो फिर ये लाइन कौन सी है? व्हिच लाइन इज दिस? हाँ सारांश बोलो। अरे मैम गलती छोड़ दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट एवरीवन, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट लाइन, यस एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, ये आप इसको क्या नाम देंगे? इस लाइन को मैं क्या नाम दूं? बताओ नाम दो। अरे वाह, सबने एक ही नाम रखा। ओके, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, परफेक्ट दी परफेक्ट, ठीक है, दैट मींस यू हैव गॉट दी कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तो दो नंबर फ्री के है ना, देखो ऐसे। सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आने से ये चार्ट बनाने की सिचुएशन खत्म हो गई है। चार्ट ऐसे दिया जाता है एंड यू हैव टू एनालाइज कि ये जो भी पूछे वो है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एग्जाम किट का क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये चार्ट है कौन सा? इज इट अ ब्रेक इवन चार्ट और प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट? प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, दिस इज अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, एब्सोल्युटली। चलिए ये क्या पूछ रहा है, लेट्स सी दैट। अ कंपनी हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर इट्स सोल प्रोडक्ट। ये इन्होंने बताया है, नहीं भी बताए तो आपको पता लग जाना चाहिए देखते ही कि ओरिजिन से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है। व्हाट आर द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट? 0, 2, 8, 10। चलिए जी चैट बॉक्स में जल्दी से, मेरे से पहले। ब्यूटिफुल, यस। पर ये नहीं, नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, ये 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी, तुम लोग 2,000 क्यों लिख रहे हो? कुछ कंफ्यूजन है? ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना वो तो? ओह यस, वो तो ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। सो दिस 10,000 इज ब्रेक इवन पॉइंट, ये 2,000 आपका फिक्स कॉस्ट है। और अगर क्वेश्चन मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ ले 20,000 यूनिट्स पे, तो क्या बोलेंगे आप? हम 10,000 मार्जिन बताओ। एक ने तो बता दिया, बाकी लोगों को क्या समझ आया? 10,000। अच्छा चलो, आई चेंज द क्वेश्चन, ये कोइंसाइड कर रहे हैं नंबर्स।
What if you are at this level, actual production and sale is happening at 25,000 units, what will be the margin of safety? 15,000. ठीक है, समझ गए? सो पीएम पढ़ने का यही तरीका है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बियॉन्ड भी सोचो. यहाँ फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपके पास जवाब में सब कुछ होना चाहिए. ये है तो क्या, ये है तो क्या, अगर ऐसा हुआ तो क्या, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड. गॉट इट? एम आई क्लियर? यस मैम. बोलो. चलिए अब आते हैं हम मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस की तरफ. क्या था ये जो सीवीपी एनालिसिस है ना, इसके दो हिस्से हैं. एक है सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस, दूसरा है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस. सिंगल प्रोडक्ट क्या था? जहां पे कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, यानी छोटी कंपनीज. लेकिन आज के टाइम में अगर हम बड़ी कंपनी में बड़ा प्लेसमेंट चाहते हैं तो ये बड़ी कंपनीज तो मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती हैं. हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, आईटीसी है, ये सब तो मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती हैं. पतंजलि है, ये कपड़ों से लेकर सिगरेट से लेकर आशीर्वाद आटा, क्लासमेट रजिस्टर, क्या नहीं बनाते, विवेल साबुन, विवेल शैम्पूज, यिप्पी नूडल्स, दे हैव देयर होटेल्स. यानी कि अगर मैं आईटीसी ग्रुप की भी बात करूं, इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि उनके लिए क्या अलग अलग ब्रेक इवेंट्स निकालने चाहिए? अगर कंपनी एज अ होल का पूछे क्वेश्चन, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आईटीसी ग्रुप की कैलकुलेशन करनी हो तो आप कैसे करेंगे? तो हम मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे, वेयर मल्टीपल प्रोडक्ट्स डू एग्जिस्ट. ऑल्दो आईटीसी तो इतना बड़ा दायरा हो गया कि मल्टीपल प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट्स की लंबी लिस्ट निकल जाएगी. प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब की लंबी लिस्ट होगी. यहां पे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया जाएगा, दो तीन प्रोडक्ट्स वाली कंपनी. ऐसे केस में सबसे पहली चीज जो आप कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो निकालेंगे वो वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो निकलेगा. यानी हम क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, सारे प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू ले लेंगे, सबका अलग अलग नहीं निकालेंगे. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ले लो तीनों चारों प्रोडक्ट से जो भी आ रहा है, टोटल रेवेन्यू ले लो तीनों चारों प्रोडक्ट से जो भी आ रहा है, एंड दिस विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो. क्या ये बात समझ आती है सबको? हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का नहीं लेंगे, कंपनी एज अ होल का लेने के लिए टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और टोटल रेवेन्यू लो. बात सही है? बताओ. यस मैम. ठीक है, तो पहली चीज वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स लेना है. अब ऐसे केस में ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे आएगा? ब्रेक इवन विल बी अ प्रॉब्लम. हर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन अलग अलग आएगा, तो फिलहाल एक कॉमन ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालते हैं. कॉमन ब्रेक इवन इस कंपनी के लिए क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो लेते थे हम, ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो हम लेंगे वेटेड एवरेज, वो भी निकाला. तो एक रिप्रेजेंटेटिव एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि एक बिजनेस जिसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ऑन एन एवरेज इतनी सेल पे ब्रेक इवन कर जाएगा. ठीक है, क्लियर? यस मैम. क्लियर. अब ऐसे ही केस में अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भैया वो सेल्स रेवेन्यू बताओ विच इज रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट, तो क्या करना है? सेम फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट में रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी जोड़ दो, क्योंकि अब रिकवरी दो चीजों की करनी है. फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करना ही करना है, प्रॉफिट भी रिकवर करना है, लेकिन डिवाइड किससे करोगे? वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो से. यानी हर जगह जहां सिंगल प्रोडक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो आता था उसकी बजाय आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो. ठीक है, समझ गए? हर चीज में वेटेड एवरेज लेना है, रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. एंड व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो? कॉन्ट्रीब्यूशन सारे प्रोडक्ट्स का, रेवेन्यू सारे प्रोडक्ट्स का. ठीक है, डन, क्लियर? वणी साईं, तुम बोलता क्यों नहीं जी? आइयो, जगता या सोता? रात का हैंगओवर नहीं उतरता? हम जागता. चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, देन लेट्स सी इसको कैसे डील करेंगे एग्जाम में. सो कंपनी ए प्रोड्यूसेस, ये स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन है, कैपलन की स्टडी टेक्स्ट का. आप अगर पुरानी बुक यूज कर रहे हैं आपको तो भी उसमें मिल जाएगा. चलिए, कंपनी ए प्रोड्यूस, बोलिए बोलिए जी. क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है मैम, जो बुक है अगर हम जून 22 एंड हो रही है जो वो ले रहे हैं, वैसे मैंने परफेक्ट पूछ लिया. चलेगी 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 चलेगी
एमसीक्यूज में कोई एग्जाम किट में एमसीक्यूज में कोई रिस्पॉन्स का फर्क तो नहीं आएगा ना? रिस्पॉन्स का फर्क नहीं है लेकिन नंबरिंग का फर्क हो सकता है. बस वो तो चलेगा मैम. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके मैम. मैम कल से कंफ्यूजन बहुत हो रहा है तो वही इतना चेंज नहीं होता ना असल में, सो डोंट वरी. और मेरे पास वैसे भी नई बुक है तो नया तो मैं कवर कर ही दूंगी. ठीक है, ओके मैम. चलिए, सो कंपनी ए प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट एक्स एंड वाई. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट्स अमाउंट टू 2 लाख पर ईयर. द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बोथ प्रोडक्ट्स फॉर नेक्स्ट ईयर. आपको दोनों प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है. एक बार चेक कर लो कॉन्ट्रीब्यूशन सही निकाला है ना इन्होंने. इज इट करेक्ट? यस मैम. ठीक है, सही दिख रहा है. कैसे निकाला? 50 - 30. दिस इज 50 - 30. कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ये कैसे आया? 60 - 45. और बजटेड सेल्स आपको दोनों की दी हुई है कि हम इतना सोच रहे हैं, बजट मेंटेन कर रहे हैं कि भाई हमें एक्स की 20,000 यूनिट्स बेचनी है, वाई की हमें 10,000 यूनिट्स बेचनी है. कैलकुलेट द सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ $3 लाख. तो सबसे पहली तैयारी क्या करनी है? वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो चाहिए. यस और नो? यस मैम. चलिए निकालते हैं. ये होता है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स, राइट? अब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन किसका निकलेगा? एक्स और वाई दोनों का. यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20x का, कितने यूनिट्स पे आएगा? 20,000 यूनिट्स पे आएगा. प्लस 15 का कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 वाई की यूनिट्स पे आएगा. टोटल सेल्स कितनी है? अमाउंट ऑफ सेल्स लें या यूनिट्स ऑफ सेल्स लें? अमाउंट, अमाउंट लेना है. ठीक है, दोनों तरफ अमाउंट. तो अमाउंट यहां कितना आएगा? 50 × 20,000 प्लस 60 × 10,000. लगा दो जी टोटल और कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो वेटेड एवरेज बता दो. कितना आ रहा है? अबे कोई भी कैलकुलेट नहीं कर रहा का है भैया. 0.34375. एक बार क्रॉस चेक कर लो, इतना अजीब सा आ रहा है. अच्छा एक मिनट रुको, मैं भी चेक कर लेती हूँ. 1,50,000 न्यूमरेटर में तो आ रहा है 550. और डिनोमिनेटर में आ रहा है 16 लाख. यही आ रहा है 3.3435. चलो जो भी आ रहा है. सो एनीवेज, ये तो आपका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो आया. अब इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने बोला वो सेल्स रेवेन्यू निकालो जो टारगेट प्रॉफिट 3 लाख लाके दे. दैट मींस आई नीड सेल्स रेवेन्यू जो फिक्स कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट दोनों को अचीव करके दे. करेक्ट? यस मैम. वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो. सो फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर करनी है हमने? 2 लाख की. ये रही फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. प्रॉफिट कितना कवर अप करना है? 3 लाख. वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कितना अर्न कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स? 0.34375. निकाल दो जरा, बहुत अजीब सा आंसर आएगा ये. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना. 1,45,45.1,45,45,45 point है, इसके बाद भी 4-5 ही है. चेक कर लो ये ठीक आ रहा है क्या. 1,45,45,45.45. जब एग्जाम में ना ऐसे टेढ़े मेढ़े नंबर आते हैं ना तो आदमी का कॉन्फिडेंस वैसे ही शटर हो जाता है. यार ये कैसी वैल्यूज आ रही हैं. चलो डन हो गया.
ठीक है, कैसे निकालेंगे? इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी प्रोडक्ट का वॉल्यूम यूज करके प्रॉफिट चार्ट बनाना, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, ये ऐसा दिखता है। अब हियर स्ट्रिक्टली आई विल से, अभी जो मैं कराऊंगी उसके बाद में आपको बुक नहीं पढ़नी है। कुछ स्टेप्स हैं, मैं वो स्टेप्स आपको बताऊंगी, उन स्टेप्स के बेसिस पे इसको बनाना है, जो बनाना आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन कुछ इंटरप्रिटेशन एग्जाम में आ सकती है। ये कैसे बनता है इसलिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो हो सकता है इसके कुछ स्टेप्स इसी से रिलेटेड पूछ ले, ऑब्वियसली सेक्शन ए में या बी में। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज दो तीन प्रोडक्ट्स है हमारे पास, उनकी आपको करनी है रैंकिंग, यानी तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो निकालो, उनकी रैंकिंग करो। रैंकिंग किसकी करोगे, फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी, जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो अर्न करके दे रहा है, यानी वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट रैंकिंग नेक्स्ट वाले को, लीस्ट प्रॉफिटेबल को लास्ट रैंक। एम आई क्लियर ऑन दिस? बताओ। यस सर। ठीक है, उसके बाद में स्टेप टू में अब आप क्या करेंगे, अब आप एक बनाएंगे टेबल। इस टेबल में आप क्या करेंगे, इस टेबल में आप एक तो क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, एक क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने जो रैंक दिए उसके हिसाब से। अभी सिर्फ इसको समझते जाओ, इनको नंबर्स के साथ नेक्स्ट पेज पे ही, नेक्स्ट स्लाइड में ही एग्जाम्पल आएगा उस पर करेंगे। सो स्टेप टू में हम ये टेबल बना के क्यूमुलेटिव रेवेन्यू और क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तीसरे में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे क्यूमुलेटिव रेवेन्यू, Y एक्सिस पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। अब इनकी हम चालू करेंगे प्लॉटिंग। सबसे पहले हम कौन से वाला प्लॉट डालेंगे, फिक्स कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट सबसे पहले आएगी। यानी अगर मैं बोलूं तो ये K इज द फिक्स कॉस्ट, जीरो से लेकर ये पॉइंट, इज दिस फिक्स कॉस्ट? यस यस मैम। तो सबसे पहले हमें फिक्स कॉस्ट प्लॉट करनी है, उसके बाद में फर्स्ट रैंक वाले प्रोडक्ट के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे अभी बताऊंगी। लाइकवाइज नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट्स हमें प्लॉट कर देने हैं और फिर सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करना है। अब ये होने के बाद में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ये पॉइंट कौन सा है और ये पॉइंट कौन सा है। ये वाला जो पॉइंट है ये होता है बीपी। अगर कंपनी प्रोडक्ट्स को बेचती है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो की रैंकिंग के बेसिस पे, ये याद करना है आपको, ये वाला पॉइंट बीपी है। अगर कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो की रैंक के बेसिस पे किसी प्रोडक्ट को बेचेगी, और जो दूसरा वाला बीपी है ये वो बीपी है जब कंपनी अपनी मर्जी से बेचेगी। मतलब मैंने तो बजट कर लिया, प्रोडक्ट एक्स इतना बेचूंगा, प्रोडक्ट वाई इतना बेचूंगा, जेड इतना बेचूंगा, तो बीपी कहां आएगी, बीपी विल बी हियर। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से बेचते हैं तो बीपी ये आएगी। और इन दोनों के ऊपर ये जो मैंने रेड वाले लिखे हैं, ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ऐसे कैसे पूछता है वो। कंपनी अपने मर्जी से बेचेगी तो बीपी इज दिस, लेकिन कंपनी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो की रैंकिंग के बेसिस पे प्रोडक्ट बेचेगी तो बीपी आएगा पॉइंट बी पे। अब इनको करके देखते हैं, क्योंकि थियोरेटिकली तो हमने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए, देख लिए, इनको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाली जो स्लाइड है इसकी फोटो खींचो, ताकि हम इन्हीं स्टेप्स को सामने रख के इस पर क्वेश्चन लगा देंगे। करो, इसकी फोटो खींच लो फटाफट। मैं भी खींच लेती हूं। स्टेप्स चाहिएंगे हमें, ठीक है, टेक दी पिक। बढ़ जाऊं आगे नेक्स्ट पेज पे? यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कैपलिन स्टडी टेक्स्ट। अब इस स्टडी टेक्स्ट से हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बीजेएस लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द फॉलोइंग थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास कंट्रीब्यूशन है। फटाफट से कंट्रीब्यूशन चेक कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने में। इज इट करेक्ट? यस मैम। यस मैम। हो सकता है गलत भी हो सकता है, कई बार हिडन इंफॉर्मेशन आ जाती है, इसलिए हमेशा चेक कर लेना चाहिए।
There can be some hidden information also in the question. So always check. कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट यही है ना, नीचे तो कहीं कोई सरप्राइज वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ जाएगी. अगर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट चार होती तो कंट्रीब्यूशन यहाँ कैसे आएगा? इसका मतलब एक डॉलर की वेरिएबल कॉस्ट कहीं और है. ठीक है, ठीक है, तो ऑलवेज चेक इट. चलिए, अब बजटेड सेल्स वॉल्यूम तीनों का दे दिया कि एक्स को बेचेंगे 5000, वाई को बेचेंगे 10000, जेड को बेचेंगे 1 लाख. अगर कंपनी 5, 10 और 1 लाख के हिसाब से बेचेगी तो बीईपी कहाँ आएगा? बी पे आएगा या ये एक्स वाई जेड पे आएगा? एक्स वाई जेड पे. एक्स वाई जेड पे आएगा. अगर कंपनी इस क्वेश्चन में ये 50,000, 10,000, 1 लाख के हिसाब से बेचेगी तो एक्स वाई जेड वाला जो पॉइंट था बीपी वहां आएगा. लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो के हिसाब से बेचेगी तो बी पे आएगा. कौन से वाले बी पे? इस बी पे, ये जो बी है. ठीक है, करेक्ट, समझ गए? यस मैम. यस मैम. अब द कंपनी एक्सपेक्ट्स द फिक्स्ड कॉस्ट टू बी 4,50,000 फॉर द कमिंग ईयर. अज्यूम दैट सेल्स अराइज थ्रू आउट द ईयर इन अ कांस्टेंट मिक्स. मतलब साल भर इसी मिक्स में ही सेल होती रहती है. सीजनल बिजनेस नहीं है कि जनवरी में जेड ज्यादा बिकेगा लेकिन दिसंबर में एक्स ज्यादा बिकेगा, ऐसा नहीं है. ये पूरे साल भर में हो रही है तीनों की और यही मिक्स चल रहा है. कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो फॉर द प्रोडक्ट्स. फटाफट से इसको कैलकुलेट करो. तीनों प्रोडक्ट्स का वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बता दो तीनों का. कुछ ऐसे ही निकलेगा भाई. बताओ, हम कुछ ऐसे ही आएगा क्या? आई थिंक इट्स 0.45. 0.45? यस मैम. और वी कैन से 45%. करेक्ट. बताओ जी, एवरीवन प्लीज कंफर्म. तरीका यही होगा, भले ही कैलकुलेटर पर ना डाल. ठीक है, यही होगा ना. टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, इनको मल्टीप्लाई करके. राइट, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो तीनों प्रोडक्ट्स का आ गया. सेकंड पार्ट में आते हैं, कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स रिक्वायर्ड. अब ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है मल्टी प्रोडक्ट्स के केस में? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन वेटेड सेल्स रेशियो. बिल्कुल. व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? 450. कितनी आ गई ब्रेक इवन सेल्स? वाओ, ये पूरा पूरा आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है देख के. कितना आएगा? 1 मिलियन. दिस इज 10 लाख. यस मैम. ठीक है, सबका आ गया. नेक्स्ट, कैलकुलेट दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड. अरे तीन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालूं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बजट रेवेन्यू माइनस बजट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन भी डॉलर में, बजटेड सेल भी डॉलर में है. ये निकाली थी ना डिनोमिनेटर में, ये ले लो. ये कितनी आ रही है? हाउ मच वाज दिस? इट वाज 20 लाख. 20 लाख. यस मैम, नीचे का 20 था. 16 और 50, ये पूरा नंबर दे. 20 लाख. हाँ, 8 लाख दे रहा है. 8 और 2 लाख उधर आ रहा है. ठीक है, 20 लाख है. तो आपके 20 लाख की बजटेड सेल्स है डॉलर्स में. बीपी है 10 लाख डॉलर्स में. मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स में कितना आया? 10 लाख. अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो अपॉन 20 लाख. बस. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज विल बी 10 लाख
कितने के ऊपर है? 20 लाख की बजटेड सेल्स के ऊपर इनटू 100. हाउ मच इज दिस? 50% इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. 50% आ रहा है. यस मैम. ठीक है, देन डी पे आते हैं. कैलकुलेट द रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 9 लाख. प्रिटी इजी. निकाले रेवेन्यू कितना चाहिए. एक तो फिक्स कॉस्ट कवर अप करनी है 4,50,000 की, अब प्रॉफिट भी कवर अप करना है 9 लाख का, और हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कितना है? 0.45. निकाल लो जरा. हाउ मच? 30. पूरा 30 लाख. 3 गुना हो गया इसका मतलब. ठीक है, जो भी आ रहा है. सो 30 लाख का रेवेन्यू आपको चाहिए सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख डॉलर्स. क्या ये 4 पार्ट सबको समझ आए? एनी प्रॉब्लम विद दीज 4 पार्ट्स? बताओ. नो मैम. ठीक है, अब आते हैं 5th पे, जिसके लिए सेपरेटली ये टॉपिक बनाया गया है. ड्रॉ अ मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट अज्यूमिंग द बजट इज अचीव्ड. मतलब दे आर सेइंग कि ये हम 50, 10 और 1 लाख इस बेसिस पे ही जा रहे हैं. तो ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन वॉल्यूम चार्ट या मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ये आपको ड्रॉ करने नहीं आते. लेकिन ड्रॉ करना आपको अभी इसलिए समझा रही हूं क्योंकि जब भी क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का होगा आप इंटरप्रेट भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ड्रॉ करना कैसे ये नहीं पता होगा. कर नहीं पाएंगे आप, दैट्स फाइन. एग्जाम में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसमें ये ड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट हम यहां तो ड्रॉ करके समझ सकते हैं, इसलिए इसको ड्रॉ करते हैं. अब जो मैंने आपको स्टेप्स बोले थे कि फोटो ले लो, वो वाले स्टेप्स खोल लो. व्हाट वाज देयर इन स्टेप 1? रैंकिंग ऑन सीएस रेशियो. हमें इनकी करनी है रैंकिंग. तो चलिए जी करते हैं इनकी रैंकिंग. मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स है एक्स वाई जेड, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो अलग अलग निकालते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो आएगा 11/16 × 100, वाई का आएगा 5/20 × 100, जेड का आएगा 3/10 × 100. करेक्ट, निकाल लो जरा कितना आ रहा है. बताते जाओ. बोलिए जी, सबके यही आ रहे हैं? यस मैम, यही आ रहे हैं. अब इस पर रैंकिंग कैसे करें? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो आपका फायदा दिखाता है कि जितनी भी आप सेल करते हैं उस पर क्या कंट्रीब्यूशन कमाते हैं. ऑन अ सेल ऑफ 16, If a product's contribution is 11, that means it's a very profitable contract product. It's a very profitable contribution giving product. सबसे highest ranking, most profitable का tag मुझे किसको देना चाहिए? X को. Next को. Next. Z. Z. Next. Y को. Y. तो ranking हमारी क्या हुई? X फर्स्ट रैंक पे, Z सेकंड रैंक पे और Y थर्ड रैंक पे. करेक्ट, करेक्ट एवरीवन. अब आ जाओ स्टेप 2 की तरफ. खोलो स्टेप 2 क्या था. क्रिएट अ टेबल टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव रेवेन्यू फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एज पर देयर रैंक. बनाए टेबल, टेबल बनाते हैं. उसमें क्या डालना है? क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव रेवेन्यू. ये कैसे बनेगा ये देखो. स्टेप 2, ये टेबल बनाते हैं. चलो मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स है एक्स वाई जेड, यहां हम कुछ नाम लिख देंगे. ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और इधर कुछ टोटल वोटल करना हुआ वो कर देंगे. एक्स वाई जेड हमें एक चाहिए क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन. तो एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन की लाइन चाहिए, एक चाहिएगा हमें यहाँ पे. व्हाट डू दे आस्क? दे नीड रेवेन्यू. यही चाहिए, क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव रेवेन्यू. अब ये क्यूमुलेटिव क्या होता है?
स्टार्ट विद जीरो लेवल ऑफ आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट. देखो फोटो जो खिंचवाई है उसमें लिखा हुआ है, जस्ट चेक दैट फर्स्ट, दिख रहा है? यस मैम. यस मैम. तो जीरो लेवल पे, जीरो लेवल पे क्या होने वाला है? जीरो लेवल पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट आएगी और तो कुछ आएगा नहीं, राइट? यानी कि प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा? लॉस आएगा जी. कितने का लॉस आएगा जीरो लेवल पे? 450,000 का. करेक्ट? यस और नो? यस मैम. आएगा कि नहीं आएगा? विल देयर बी एनी कॉन्ट्रीब्यूशन? नो. विल देयर बी एनी रेवेन्यू? नो. नो रेवेन्यू. अब एक्स पे आते हैं. ये हमें मोस्ट प्रॉफिटेबल के सीक्वेंस में लेना है, तो एक्स वाई जेड की बजाय एक्स जेड वाई कर दूं, चलेगा? यस मैम. एक्स जेड वाई ऐसे लेते हैं. तो सबसे पहले एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? कहां है एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन? ये रहा 11 into 50,000. ये कितना आ रहा था? 5,50,000 is the contribution. What is the revenue of X? 16 into 50,000 is how much? 8 lakhs आ रहा था? 8 lakhs, yes. 8 lakhs. ठीक है, समझे? मैम, मैंने कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन लिखा है. नहीं, मैंने कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं, वो कंट्रीब्यूशन ही है. अच्छा अच्छा. टेबल थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ. ओ, सब मिट गया. ये फिर इधर एक वैल्यू ले लेते हैं, इधर एक और वैल्यू ले लेते हैं, तुम्हें और क्लियरली समझ में आ जाएगा. चलिए जी, अब देखो अब क्या क्या ले रहे हैं. ये है बच्चे कंट्रीब्यूशन, ये है रेवेन्यू, यहां ले लेती हूँ और फिर यहीं पे इसका क्यूमुलेटिव रेवेन्यू ले लूंगी. क्यूमुलेटिव रेवेन्यू, इधर प्रॉफिट या लॉस ले लूंगी. क्यूमुलेटिव क्या होता है तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगा फिर. क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, चलिए इस 8 लाख को फिर आगे शिफ्ट कर देती हूं. यहां यहां पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं और 4,50,000 का फिक्स कॉस्ट आ रही है बस. करेक्ट? करेक्ट बोलो. ठीक है. चलो अब आ जाते हैं इधर नेक्स्ट पे. जेड, जेड के क्या हाल है भाई? हाउ मच इज जेड अर्निंग इन कॉन्ट्रीब्यूशन? इज इट 3 lakhs? 3 lakhs मैम. 3 lakhs. वॉट इज द रेवेन्यू ऑफ जेड? 2 lakhs. 10 lakh. नो, 1,000. 10 lakh. ठीक है, 10 lakh आ गया. वाई पे बात करते हैं. हाउ मच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई? जस्ट 50,000. मतलब हमारी रैंकिंग बिल्कुल सही है. सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ला रहा है दैट इज एक्स. करेक्ट? यस मैम. ला रहा है? यस मैम. रेवेन्यू बता दो जरा वाई का. 50,000 into 2 lakh. यहां तक पहुंच गए, पहले ये बता दो. यस मैम. ठीक है, अब क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? जब हम सिर्फ एक्स बना रहे हैं तो क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन कितना है? कोई और प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन विल बी हाउ मच? यानी क्यूमुलेटिव कंपनी का प्रॉफिट विल बी हाउ मच? 550. और ये 450 का लॉस, दोनों मतलब क्यूमुलेटिव मतलब पीछे वाली वैल्यू का भी ध्यान रखना. सो प्रॉफिट विल बी ओनली 1 lakh. ये कैसे आया 1 lakh? 550 की कमाई करके दी एक्स ने और 450 उससे पहले हम फिक्स कॉस्ट इनकर करते थे. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पीछे वाली वैल्यूज को भी कंसिडर करते रहिए. तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना आया? 1 lakh का आया. क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? बताओ. पीछे की वैल्यूज भी अब हम जोड़ते जाएंगे. क्यूमुलेटिव रेवेन्यू अभी सिर्फ 8 lakh ही है. वी हैव ओनली 8 lakh ऑफ रेवेन्यू. क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन 550 का ही है और कोई तो कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर नहीं रहा, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 550 में से 450 की कॉस्ट गई यानी पीछे वाली, ये बचेगा 1 lakh. अब तुम्हें नेक्स्ट में समझ में आएगा जब हम जेड बनाने लगेंगे तो क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितना होगा. अब बताओ हाउ मच विल बी क्यूमुलेटिव रेवेन्यू? 18 lakh. पिछले प्रोडक्ट का 8 lakh, उससे पहले कोई रेवेन्यू था नहीं, अब हम रेवेन्यू ले रहे हैं 10 lakh का, यानी 18 lakh का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू होगा. क्या ये बात समझ आई?
अब हम एक्स भी बना रहे हैं और अब हम जेड भी बना रहे हैं, यानी क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितना आ गया 18 लाख का। और जैसे ही हम वाई बनाने लग जाएंगे तो क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितना आएगा 20 लाख करेक्ट। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया? यस मैम। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं मैम। वाई का 20 कैसे आया? वाई का ये आई हैव मल्टीप्लाइड 20 बाय 10,000। क्यूमुलेटिव 20 कैसे आ गया? क्यूमुलेटिव 38 ही होगा। सबसे पहले आपने 8 लाख की x की सेल करी, फिर z बेचा 10 लाख का, फिर 2 लाख की ऑल रेवेन्यू ले लिया, यानी क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितना ले लिया 20 लाख। ठीक है वन सेकंड गाइस हाँ जी अब आ जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ। आपने जब x बेचा तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कमाया 550। जब आप z भी बेचेंगे तो z कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट करेगा 3 लाख। यानी अब क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 850। x जनरेट कर रहा है 3 लाख, z जनरेट कर रहा है, यानी 850 का क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन अभी भी एक कॉस्ट तो हम इनकर कर ही रहे 450 की। तो ये दोनों प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट क्या बचाएंगे 4 लाख। परफेक्ट, 4 लाख नेट बचाने लग जाएंगे हम, यानी यहां पे नेट प्रॉफिट बचेगा हमारा 4 लाख का। क्या ये बात सबको समझ में आई? सिंपल कंपनी के मैनेजर की तरह सोचो, आपने सबसे पहले एक्स बनाया तो कमाई आई 550 की। अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, 550 वाला ही सारी फिक्स कॉस्ट बियर करेगा। अब आपने फैक्ट्री में एक और प्रोडक्ट बनाना चालू किया, उस प्रोडक्ट ने 3 लाख का कंट्रीब्यूशन और जनरेट करने लग गए, यानी अब आप अर्निंग कितनी होने लग गई 850 की। 850 में से अब 450 फिक्स कॉस्ट के हम निकाल सकते हैं, यानी बचा हुआ प्रॉफिट अब कितना आ रहा है फैक्ट्री की तरफ से 4 लाख का। गॉट इट? करेक्ट बोलो। यस सर। अब तीसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अब हमने वाई भी बनाना चालू कर दिया और जहां पे हम 850 कमा पा रहे थे, अब हमने 850 प्लस 50 की कमाई भी चालू कर दी, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आने लगा 9 लाख का। जबकि फिक्स कॉस्ट, एक अकेली फिक्स कॉस्ट तो बेयर कर रहे हैं, अब प्रॉफिट कितना बच रहा है 450 का। तो ये टेबल बनानी है स्टेप टू में, कि हम बेस्ट रैंक प्रोडक्ट्स के हिसाब से जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो फाइनली हमारा प्रॉफिट स्टेटस कैसे बैठेगा। स्टेप टू क्लियर सबको? बताओ। yes, चलो अब आ जाओ स्टेप थ्री की तरफ। स्टेप थ्री बोलता है टेक क्यूमुलेटिव रेवेन्यू ऑन द एक्स एक्सिस। हाँ जी बोलो। ओके, टेक क्यूमुलेटिव रेवेन्यू ऑन द एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑन द वाई एक्सिस टू स्टार्ट प्लॉटिंग। चलिए जी अब चार्ट की तरफ आ जाए। अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, जगह कहां से लाऊं? ऊपर बना दू, इनको हटा दू, रैंकिंग्स को? यस मैम। ठीक है यहां बनाते हैं। चलिए जी ये आता है आपका, ये ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा को बियर कर लेना प्लीज। ये क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है क्यूमुलेटिव रेवेन्यू, यानी यहां पे मुझे लेना है क्यूमुलेटिव रेवेन्यू, एक्स एक्सिस ये है, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट सही लिखा मैंने? प्लॉटिंग कहां से स्टार्ट करनी है? फिक्स कॉस्ट से। सो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास 450, तो जीरो के ऊपर माइनस 450 अंदाजे से यहां ले लू, दिस इज 450, ट्रिपल जीरो हटा रही हूं, दिस इज द फिक्स कॉस्ट। करेक्ट बोलो। यस सर। यस मैम। ठीक है ये 450 आती है, उसके आगे बढ़ते हैं। देन फर्स्ट रैंक द प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट्स टेकिंग क्यूमुलेटिव रेवेन्यू एंड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, मतलब
सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट एक्स. प्रोडक्ट एक्स का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितना है? 8 लाख. चलो इसको मैं लेती हूँ, ये 1 लाख इधर, 2 लाख इधर, मेरा 8 लाख बहुत आगे चला जाएगा. 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख. कोऑर्डिनेट क्या लूं? क्यूमुलेटिव रेवेन्यू में लेती हूँ 8 लाख का और क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन लेती हूँ 550 का. तो लेट्स सपोज यहाँ पे भी 100-100 के कोऑर्डिनेट्स. समझ गए ना अब ये क्यों बनाने नहीं आता है? ये 500 और ये 600. तो इसका मतलब मुझे ये बीच का कुछ लेना पड़ेगा ऐसे 800 तक. समझ गए कोऑर्डिनेट्स कैसे बने? मैम व्हाट दी कोऑर्डिनेट्स? हाँ जी बोलो. छोटे ले लेती हूँ यार, ये 100-100 के ना बहुत बड़ा चार्ट बन जाएगा, इतनी जगह नहीं है. तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट लेना है अपने को, वो लेना है सिर्फ 100. ये करेक्ट, वो 8 भी ज्यादा जा रहा है. 200-200 ले लू, 200, 400, 600 और 800 ऐसे ले लेती हूँ. ये ठीक है? बताओ सही है पहला कोऑर्डिनेट? यस मैम. दूसरा बोलो. क्यूमुलेटिव रेवेन्यू. अब जेड बनाएंगे हम. जेड के लिए 18 और 4 लाख. अब मेरा 18 भी नहीं पहुंचेगा यहाँ पे. ये 1000, 1200, 1400 का ले लीजिए. पहुंच गया 18, पहुंच गया 18, ये आ गया और उधर 4 आ गया. ये लो, ये आएगा 4 और ये 18, ये दूसरी पॉइंट आएगा. ठीक है, ऐसा ही लेट सपोज तीसरा पॉइंट यहां आएगा. तो इनको हम क्या करेंगे, यहां से लेकर इसको ज्वाइन करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको इसको ज्वाइन करेंगे. ये तो प्रोडक्ट एक्स का है, ये जेड का है, ये वाई का बनेगा और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया जाएगा. समझे? अब ये एग्जाम में आपको सब कुछ बना हुआ दिया जाएगा. लेकिन मैंने पूरा क्यों बनवाया, ताकि आप इसको समझो, क्योंकि ये इसी में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन निकाल के दे देंगे. अब ये सबसे पहले क्या पूछेंगे कि ये जो बीईपी आया, ये बीईपी कैसे आता है? जब आप इनके कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स के बेसिस पे रैंकिंग करते हो और उसी के बेसिस पे सामान बेचते हो, राइट? ये वाला बीईपी कैसे आएगा? जब ये अपने बजटेड के हिसाब से बेचेंगे. Got it? कुछ समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है. So, इस वाले को बनाना नहीं सीखना है, मुझे सिखाना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये किसी भी स्टेज में आपसे कुछ भी पूछेंगे. तो एक बार एक काम करो, 10 मिनट का ब्रेक लेके आओ, इसको वापस से फटाफट ब्रशअप कराऊंगी और जो एग्जाम में आता है उसके बेसिस पे इसको कैरी ऑन करेंगे. ठीक है, इट्स 11:05 नाउ, 11:15 पे मिलेंगे. ओके okay? चलिए जी, मेरी आवाज आ रही है साफ? यस मैम. चलिए ओके जी. सो एज आई वाज सेइंग कि इसको फटाफट ब्रशअप करेंगे. इस तरह का जो चार्ट होता है वो कैसे बनता है? आपके पास 2-3 प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी रैंकिंग करेंगे आप. सबसे पहले किस चीज की रैंकिंग? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो के बेसिस पे. जो भी सबसे प्रॉफिटेबल है वो सबसे पहले, जो कम प्रॉफिटेबल है वो नेक्स्ट, जो सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल है वो लास्ट. स्टेप 2 की ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट होती है. क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू निकालना है और बिजनेस क्या प्रॉफिट कमा रहा है वो निकालना है. स्टेप 3 से हम इसकी प्लॉटिंग चालू करते हैं. कहां से स्टार्ट करते हैं? व्हाट इज दिस एरिया? फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि हम जीरो पे जो भी नुकसान इनकर कर रहे हैं उसको सबसे पहले प्लॉट करते हैं. फिर सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट प्लॉट होता है? फर्स्ट रैंक वाला. फर्स्ट रैंक वाला. देन सेकंड रैंक वाला. एंड देन सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल थर्ड रैंक. बिल्कुल. और इनको कनेक्ट कर देते हैं तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट से. ध्यान क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है? रेवेन्यू क्यूमुलेटिव. और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट. प्रॉफिट. ठीक है, यानी हमारी टेबल में जो प्रॉफिट आ रहा है, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू आ रहा है, इनके बेसिस पे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. वो कोऑर्डिनेट्स जॉइन होके 2 ब्रेक इवन आएंगे.
एक ब्रेक इवन होगा ये, एक होगा ये. मैं इनके नाम देती हूं वन एंड टू. वन, ये कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है? जो सी एस रेशो के ऊपर बेस्ड है. पॉइंट नंबर टू, ये कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है? बजटेड सेल्स के ऊपर. यानी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से नहीं, जब अपने बजट के हिसाब से बेचने की सोचेगी तो पॉइंट नंबर टू पे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा. जब कंपनी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो के हिसाब से बेचने की सोचेगी तो ब्रेक इवन किस पे आएगा? वन पे. ठीक है, गॉट इट क्लियर? यस मैम. यस मैम. चलिए जी, अब इसका क्वेश्चन बनाने का नहीं आता है. द बेस्ट पार्ट इज दिस क्वेश्चन ऐसा आता है. अब मुझे ये आप देख के बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है. द फॉलोइंग प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर थ्री प्रोडक्ट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड. प्रोडक्ट वन टू थ्री, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट दिख रहा है. ठीक है, एक पहला ब्रेक इवन आ रहा है ए पे, दूसरा ब्रेक इवन आ रहा है बी पे. एम आई राइट? ए और बी? यस. विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अबव चार्ट आर करेक्ट? सबसे डाइसी क्वेश्चंस ये होते हैं जहां पे वो दो करेक्ट पूछ लेता है. फर्स्ट पॉइंट, ए इज द ब्रेक इवन पॉइंट इफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो. पॉइंट बी इज द ब्रेक इवन पॉइंट इफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द बजटेड सेल्स मिक्स. चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट थ्री वुड इंप्रूव द ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो. मतलब कि प्रोडक्ट थ्री पे अगर हम ज्यादा सेल करने लग जाएं तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो इंप्रूव हो जाएगा. इफ ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड देन द कंपनी कैन एक्सपेक्ट सेल्स रेवेन्यू ऑफ 350,000. जरा लास्ट वाला स्टेटमेंट तो चेक कर सकते हैं, कर लो जरा, इट कैन बी डायरेक्टली चेक्ड. क्या 350 की सेल्स रेवेन्यू हो रही है अगर तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं तो? ऐसा कुछ ज्यादा की है, ज्यादा की है. अगर तीनों प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं तो क्यूमुलेटिव सेल कितने की आ रही है? लेट्स सी दैट. 700 अबव है. ये है रेवेन्यू का. तीनों प्रोडक्ट्स अगर बिकेंगे ये कुछ सेल आएगी. क्या बोल रहे हैं ये 350, ये कहां से लाए नंबर? कुछ गड़बड़ है. यानी क्लियरली ये स्टेटमेंट तो गलत है. नाउ आउट ऑफ दीज थ्री आपको कौन से दो सही लग रहे हैं? ए और बी. बी तो पहले दो सही लग रहे. यस यस मैम, पहले दो सही, बिल्कुल सही. अच्छा, अगर पहले दो नहीं आपको पता होते मैं नहीं बताती. क्या तीसरा सही लग रहा है? नो मैम. नो मैम. क्यों, तीसरे में क्या गड़बड़ है? सबसे कम है. तो अगर हम प्रोडक्ट मिक्स इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट थ्री करेंगे, फेवर ऑफ प्रोडक्ट थ्री का मतलब प्रोडक्ट थ्री और बेचने लग जाओ तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो इंप्रूव होगा या और बेकार हो जाएगा? डिग्रेड होगा, डिक्लाइन होगा. मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसको ज्यादा बेचने लग जाओ तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो इंप्रूव होगा. अबे क्या बोल रहे हो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा. अब मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन और एड करती हूँ, जवाब देना. चैट बॉक्स में लिखना फटाफट सब लोग. रैंकिंग क्या है प्रोडक्ट्स की? व्हाट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, देन द नेक्स्ट प्रॉफिटेबल एंड देन द लीस्ट प्रॉफिटेबल. रैंकिंग बताओ सिर्फ इस चार्ट को देख के. पहले प्रोडक्ट वन है, फिर लास्ट वाला थ्री है. सो रैंकिंग क्या हुई, वन टू थ्री? यस मैम. ठीक है, रैंकिंग इज वन टू थ्री. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट. चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी सब लोग. रुको रुको रुको, बोलो मत बोलो मत, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी. व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? करेक्ट. सो द फिक्स कॉस्ट इज 3 लाख. बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल सही बोले आप. अच्छा अब बताओ प्रोडक्ट थ्री की, प्रोडक्ट थ्री पे कंपनी का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितना है? सारे प्रोडक्ट्स बनाने पे क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कंपनी का कितना है? तीनों प्रोडक्ट्स बनाने में कंपनी का सेल्स रेवेन्यू जो ये 350 बोल रहे हैं ये कितना है, अंदाजन कितना है? 850. कितना? 850. 850 है
ये 850 कैसे निकाला आपने? 800 का थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है तो 850 अप्रोक्स अबव 700 बेसिकली, मतलब 700 से भी ऊपर है, राइट? यस ठीक है, 700 हो गया. देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड? प्रॉफिट कितना है कंपनी का? 400 अराउंड. ध्यान से देखो और मनन यू आर राइट, थोड़ा सा ध्यान से देखो शायद हम पकड़ जाएं. बिल्कुल 350 के आसपास ये आ रहा है, यानी जो इन्होंने ये 350 का नंबर दिया था ना, दैट इज बेसिकली प्रॉफिट एंड नॉट रेवेन्यू. गॉट इट? यानी कि एक ही चार्ट में से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है. इट इज नॉट स्टैंडर्ड कि ये जो दो पॉइंट्स आए हैं यही आए, कुछ और भी आ सकता है. आपको चार्ट पूरा समझ में आना चाहिए. चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5. ये आता है जब आपसे क्वेश्चन अलग अलग प्रोडक्ट्स की वैल्यूज पूछ लेगा. स्कैपलन की स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन है. एच लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट जे एंड के. एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेशियो जे 1 पे है और के 3 पे है. ये 1 और 3 क्या होता है कि हम जब जे का एक यूनिट बेचेंगे तो के की कितनी बिकेंगी? 3 यूनिट बिकेंगी. टोटल एनुअल सेल्स आर प्लान टू बी $420,000. प्रोडक्ट जे हैज अ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स ऑफ 40%, वेयर एज दैट ऑफ प्रोडक्ट के इज 50%. एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट्स आर एस्टिमेटेड टू बी $120,000. व्हाट इज द बजटेड ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू? अब इस तरह का क्वेश्चन अपने आप में एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको कैसे करें बताओ जी. सबसे पहले कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो तो निकालें दोनों के, जे और के. दिए हुए क्या क्या दिए हुए है? यस मैम. ये बोल रहा है कि टोटल ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू निकालो. तो टोटल ब्रेक इवन सेल वैल्यू तो ऐसी निकल जाती है यार, फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, याद है? वो तो ऐसी निकल जाती है. यानी अगर मुझे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो मिल जाए, मेरे लिए आंसर आ जाएगा. आ जाएगा? यस मैम. यस मैम. पर वेटेड एवरेज निकालूं कैसे? दैट्स द प्रॉब्लम. हाउ डू आई टेक आउट दिस वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स? मैम यहां से कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा. यहां से कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? मैम इसको 0.4 भी तो लिख सकते हैं ना. 0.4 लिख सकते हैं 0.4 एंड 0.5, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा इस केस में ये जो 1:3 है इसको यूटिलाइज करें. यस मैम. यस ठीक है, डिवाइड हो जाएंगे. बिल्कुल. तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, इसको करने के 2-3 तरीके हैं. एक तरीका तो ये है, ये जो रेशियोज हैं इन्हीं को 1:3 के रेशियो में वेटेड एवरेज ले लो. जब सिर्फ जे बिकता है तो 40% कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो होता है, जब के बिकता है तो 50% होता है. जब ये दोनों मिक्स में बिकेंगे तो क्या रेशियो में बिकते हैं? 1:3 में. यानी कि ये 40% जो है इसका वेट है 1, 50% जो है इसका वेट कितना है? 3. यानी 50% पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है, लेकिन यूनिट्स बिकती कितनी है? 3 बिकती है जब जे एक ही बिकता है. डिवाइड बाय वेटेड एवरेज कितना? 1+3. वन तरीका इज दिस. तो इससे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो आ जाएगा. दूसरा तरीका जो मुझे थोड़ा पर्सनली ज्यादा क्लियर कट दिखता है वो है इसके अमाउंट्स निकालना, यानी जे और के की सारी वैल्यूज निकाल लेना. हमारे पास सेल्स है इनकी दोनों की, कितनी है? 420. क्या हम 420 को 40 और 50 के रेशियो में बांट सकते हैं? कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 420? जरा निकालना 420 का जे पे कितना होगा और के पे कितना होगा. इन दोनों का रेशियो है 1:3 है. 1:3 है, जे की एक सेल होती है तो के की 3 सेल होती है. तो जरा 420 को बांटना 1:3 के रेशियो में. 105,000 हाँ, इसके रेशो में देखो कि जो टोटल सेल है वो J
जहां पे तीन यूनिट्स के की बिकती है तो एक यूनिट जे की बिकती है ना. हाउ मच इज दिस? 1,05,000 यू आर सेइंग. और ये 3,15,000. क्या ये बात सबको समझ आई? इनका ये सेल्स मिक्स है, यानी जो टोटल सेल्स है वो इसी रेशियो में आती है 1:3 के रेशियो में, और हम 40% 50% लगा के इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू सब कुछ निकाल सकते हैं. करेक्ट, बात समझ आई? फिलहाल इन दोनों की सेल्स आ गई कितनी कितनी है, टोटल 420 है, जिसमें से दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1:3 के रेशियो में, यानी कि 105 की सेल्स जनरेट करता है जे, 315 की सेल्स जनरेट करता है के. करेक्ट? करेक्ट. यस मैम. गर्ल्स एवरीवन क्लियर? बोलो लड़कियों, वापस से सुनो, नहीं बोल रही है तो. देयर आर टू प्रोडक्ट्स जे एंड के, इनकी पूरे साल की सेल 1:3 के रेशियो में होती है, यानी जहां जे की एक यूनिट बिकती है, के की कितनी बिकती है? तीन यूनिट्स बिकती है. तो जो टोटल सेल्स है आपकी 420, इसमें से जे की कितनी है और के की कितनी है कैसे पता चलेगा? 1:3 के रेशियो में उनको बांट दो. 1:3 का रेशियो क्या होता है? 1/4, 3/4. अब ये जो सेल्स है इन पे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो यूज करके हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, सारी चीजें निकल सकती हैं. तो क्या करें पहले? पहले देखो वही फॉर्मेट बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन वाला. सेल्स कितनी निकाल ली हमने जे और के की? 1,05,000 एंड 3,15,000, ये निकाल ली. यस मैम. वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी या कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा ये बताओ, जे का कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ जल्दी जल्दी. हाउ मच विल बी जेस कॉन्ट्रीब्यूशन? 42,000. कैसे निकला? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो है 40%. कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो इज 40%. ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं लेकिन सेल्स को है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1,05,000 का 40%. बोलो बात समझ आई? यस मैम. समझ आई? ये कितना आ रहा है? 42,000. लाइकवाइज के का बताओ मुझे, के का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आने वाला है? के का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1,57,500. अब वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकती है, यानी इस रेशियो से हम सब कुछ निकाल सकते हैं जैसे ही हमारे पास इनकी सेल्स वैल्यूज आ गई. क्या यहां तक बात समझ आई? दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन आ गए. यस मैम. और दोनों की ही सेल्स आ गई. तो अब मेरे को जरा कोई वेटेड एवरेज सेल्स रेशियो निकाल के दे सकता है? नाउ इट्स प्रीटी इजी. वी हैव टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, वी हैव टोटल सेल्स. बताओ कितनी आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो? कितना आएगा? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स. बताओ जी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 42 + 157,500. यस और नो? यस मैम. एंड व्हाट इज द टोटल सेल? 420 थी वो, तो निकाल लो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो निकाल लो. 0.475. कितना आ रहा है? 0.475. या फिर 47.5. ठीक है, अब बजटेड ब्रेक इवन सेल्स बता दो. गर्ल्स बताओ जी बजटेड ब्रेक इवन सेल्स बोलो. गाइस वंस यू स्पीक अप प्लीज म्यूट, पीछे थोड़ा शोर आ रहा है. हाँ जी बताओ ब्रेक इवन सेल्स बता दो जल्दी जल्दी. गर्ल्स आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम योर साइड. व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट इन दिस केस? 120. अरे लड़कियां बोल क्यों नहीं रही? 120 या 420? 120. डिवाइड किससे करूं? 47.5. निकाल दो जरा ब्रेक इवन सेल्स. 2526.315. Yes. 3.15. ठीक है.
ठीक है, समझे? कुछ क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी बोलो बोलो. मैम जब हम वो रेशियो के इस पे ले रहे थे, मतलब 0.5 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 4, तो मेरा फिक्स कॉस्ट का जो रेशियो वो 0.225 आ रहा था, तो वो क्या चीज का डिफरेंस है? नहीं यार नहीं आना चाहिए. अगर हम, यू आर सेइंग द फर्स्ट मैथ्स मेथड? यस यस. रुको चेक कर लेते हैं, आना नहीं चाहिए गैप बिल्कुल भी. सो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो वेटेड एवरेज सेम ही आएगा बोथ केसेस में. सेम आ रहा है मैम. हाँ वो कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी होगी बच्चे आपने. 40 और 50 है, 40 का मुझे सिर्फ एक ही हिस्सा लेना है, 50 के मुझे तीन हिस्से लेने हैं टोटल चार हिस्सों में से. सो इसको मैं 0.4 ले लेती हूँ, 0.4 और 0.5. सो 0.4 इज 0.4 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 4. 0.475. हाँ 1.45 आ गया ये डिवाइड बाय 4.3625 आ रहा है. 0.3625. हाँ शी इज राइट. ये अलग क्यों आ रहा है? नो मैम वैसे ही मैम ठीक तो आ रहा है. 0.475 ही आ रहा है. 0.475 1.9 हो जाएगा. गड़बड़ कर दी क्या? 1.9 हो जाएगा. 9 है वो, मैं 1.45 कर दी. राइट 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 ठीक है. सेम आ रहा है बच्चे? इज इट क्लियर? समझा मुझे. क्या गड़बड़ कर दी थी? मैंने 3 × 0.5 नहीं लिया था. अच्छा अच्छा देखो इसका पता है क्या, ये सिंपल मैथमेटिकल रूल्स है. 0.4 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करने के लिए सिर्फ एक ही यूनिट आ रही है, जहां पे 0.5 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करने के लिए कितनी यूनिट्स बिकती हैं? 3 यूनिट्स बिकती हैं. यानी इतना जनरेट हो रहा है 3 टाइम्स एट द सेम टाइम व्हेन 0.4 इज बीइंग जनरेटेड ओनली बाय 1 यूनिट, और टोटल 4 यूनिट्स में से ये रेशियो हो रहा है. बट somehow मुझे इससे ज्यादा ना ये वाला तरीका ज्यादा पसंद आता है. दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. या तो मैथ्स घुस जाती है. ठीक है ओके. यस मैम. यस मैम. चलो करके बताओ अब ये वाला. अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई. ट्वाइस एज मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई आर मेड एंड सोल्ड एज दैट ऑफ प्रोडक्ट एक्स. यानी इन दोनों का रेशियो क्या हुआ? 1:2. एक्स इज टू वाई का सेल्स मिक्स क्या हो रहा है? वाई की बिकती है 2 इन कंपैरिजन टू 1 बीइंग सोल्ड फॉर एक्स. मैंने सही रेशियो लिख दिया 1:2. वाई की 2 बिकती है, डबल बिकती है जितनी एक्स की बिकती है. सही लिखा? बताओ. यस मैम. ठीक है. ईच यूनिट ऑफ एक्स मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 एंड ईच यूनिट ऑफ वाई मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 4. फिक्स कॉस्ट आर 90,000. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच मस्ट टू बी मेड एंड सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ $45,000. बताइए जी ये क्या पूछ रहा है? फिक्स कॉस्ट तो कवर करनी ही करनी है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी कवर करना है. यानी मुझे अभी भी वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो चाहिए. चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए मैम. वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? अबे क्यों थकेले से साउंड कर रहे हो? चाहिए मैम. चाहिए. कैसे निकाले? अब यहाँ पे तो ना सेल्स का नंबर है, तो वो लंबे वाले तरीके से तो हो ही नहीं सकता. कंट्रीब्यूशन जरूर दिया हुआ है इन्होंने 10 और 4 का. स्टिल हाउ विल आई डू दैट? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो इज नॉट देयर. अब मैथ्स दूसरी तरह से लगानी पड़ेगी. कैसे लगानी पड़ेगी बताओ? 10 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करती है 1 यूनिट और 4 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देती है उसी टाइम पे 2 यूनिट्स. मैंने सही लिखा? बताओ. 6. यस. कितना आ रहा है ये जरा कैलकुलेट कर दो. 6. पूरा 6? यस मैम 6. तो ये 6 कैसे आएगा? मतलब ये तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो का ऐसे नहीं आता. हाउ डू आई डू इट? तो चलो ये एक रिप्रेजेंटेटिव वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन तो है, एवरेज कंट्रीब्यूशन तो है, ये लेना पड़ेगा. कोई और चारा ही नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. तो इस तरह के सरप्राइजेस आ सकते हैं. जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो पेपर को छोड़ मत देना. फिक्स कॉस्ट तो अपने पास है. हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट? 90,000. तो 90,000 को मैंने डिवाइड किया होता वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो से, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा. तो कोई नहीं यार, फिर क्यों माथा पच्ची करें? जो है वो तो करें.
तो 90,000 की रिकवरी तो चाहिए ही चाहिए, प्रॉफिट की रिकवरी भी चाहिए, कितनी? 45,000 रिकवर करने के लिए कितने पर यूनिट की कमाई हो रही है? $6 की लगा दो जी, कितनी यूनिट्स निकल के आएंगी ताकि हम दोनों चीजें कवर अप कर सकें? 22,500 यानी कई क्वेश्चंस में दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ पीएम कि हर चीज पकी पकाई नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो नहीं था, हमारे पास सेल्स भी नहीं थी, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं थी, कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट था, रेशियो नहीं निकल सकता, नहीं निकलेगा फिर कोई बात नहीं, जो निकल सकता है उसके बेसिस पे निकालो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये देखा एक यूनिट एक एक्स की बिकती है और दो यूनिट्स वाई की बिकती है, यानी एट द सेम टाइम 10 का कंट्रीब्यूशन एक्स जनरेट करता है और 4x2 का कंट्रीब्यूशन वाई जनरेट करता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन दैट इज 6, तीन यूनिट्स बिकने पे 6 ऑन एन एवरेज हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब हमें रिकवरी दो चीजों की करनी है, फिक्स कॉस्ट की और प्रॉफिट की। फिक्स कॉस्ट इज 90,000, प्रॉफिट रिक्वायर्ड इज 45,000। रिकवर करने के लिए कमाई कौन कर रहा है, $6 की कमाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, यानी $6 के बेसिस पे 22,500 यूनिट्स जब टोटल बेचेंगे कुछ एक्स की कुछ वाई की, तब जाके ये फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। समझ आया, कुछ कुछ समझ आया? यस मैम। बताइए गर्ल्स, यू आर नॉट स्पीकिंग अप एट ऑल। यस मैम, समझ आ गया। चलो ये वाला करते हैं। P को makes two products P1 and P2, budgeted details are as follows, selling price दोनों की है, cost में direct material है, labor है, variable overheads है, इन तीन को use करते हुए कुछ निकालना चाहिए क्या? क्या निकालना चाहिए? Contribution। सबसे पहली चीज निकालो जी, contribution निकालो दोनों products का, क्योंकि आगे तो इन्होंने fixed cost दी हुई है, fixed overhead, contribution बताओ। 4.2 and 2.6। तो क्वेश्चन बता देगा कि भाई टोटल कैपेसिटी इतनी है, वरना जो भी बजटेड यूनिट्स है वो ही बना सकते हैं ये लोग। तो फिक्स कॉस्ट P1 की कितनी हुई, 10,000 इंटू 1.2। P2 की बताओ कितनी हुई, बताओ। ठीक है, 12,500। 20,000 कैसे आया था? मैंने उससे कर दिया था गलती से प्रॉफिट। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आ गई आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट्स, आ गई। यस मैम। ठीक है, द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूडेड इन P1, यानी P1 में इंक्लूडेड है रिलेटेड टू अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड कॉस्ट, ये लो, यानी P1 में सारी की सारी ये जो कॉस्ट्स हैं ये जनरल कॉस्ट्स हैं, तो जनरल कॉस्ट तो हमारे लिए रेलेवेंट होती नहीं है, ये तो प्रोडक्ट बनाओ चाहे ना बनाओ इनकर होनी होनी है। हाउएवर P2 ऑल्सो इंक्लूड्स स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, जो पर्टिकुलरली इसी प्रोडक्ट की वजह से हो रहे हैं, यानी इसमें 2500 ये इसके स्पेसिफिक है, यानी आज अगर हम P2 बनाना बंद कर दें तो ये 2500 बचने लग जाएंगे। यस और नो? यस बचने लग जाएंगे। इफ ओनली प्रोडक्ट P1 वर टू बी मेड, यानी अब इन्होंने बोल दिया कि P2 बंद करो, अगर सिर्फ P1 बनाएंगे, हाउ मेनी यूनिट्स वुड नीड टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 ईच ईयर? क्वेश्चन का मतलब समझे, अगर हम सिर्फ P1 ही बनाएंगे तो कितनी यूनिट्स बनानी चाहिए ताकि 60,000 ईच ईयर का प्रॉफिट आ जाए, यानी कि फिर वही बात आ गई, रिक्वायर्ड प्रॉफिट के लिए क्या सेल्स यूनिट्स चाहिए। तो सबसे पहली रिकवरी किस चीज की करनी है, फिक्स कॉस्ट की। दूसरी रिकवरी किस चीज की करनी है, प्रॉफिट की। प्रॉफिट कितना रिकवर करना चाह रहे हैं, 60। फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर करनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो रही है, 24,500 हो रही है या नहीं हो रही है?
यस मैम नो मैम मैम पर 2500 वो स्पेसिफिक था वो बच जाएगा क्रेडिट करेंगे लेकिन क्योंकि आप P2 अब नहीं बनाएंगे तो ये 2500 भी तो बचाने लग जाएंगे यानी P1 बनाने से फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर करनी है 22,000 की बस इस क्वेश्चन का यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था बात समझे क्वेश्चन ने बोला है कि आप सिर्फ P1 ही बनाइए और बताइए कि कितनी यूनिट्स P1 की बननी चाहिए ताकि हम 60,000 का प्रॉफिट कमा लें मुझे दो चीजों की यहां रिकवरी करनी है एक एक फिक्स कॉस्ट की दो प्रॉफिट की तो प्रॉफिट 60,000 का रिकवर करना है और फिक्स कॉस्ट कितने की रिकवर करनी है मुझे अब 24,500 में से 2,500 तो होगी ही नहीं बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड मेकिंग P2 वी विल नॉट मेक P2 यानी फिक्स कॉस्ट की रिकवरी कितनी चाहिए सिर्फ 22,000 की चाहिए पूरी 24,500 की नहीं चाहिए एम आई राइट बोलो ठीक है अच्छा रिकवरी करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास P1 इसने बोला है यूनिट्स तो यूनिट्स के लिए हम क्या करते हैं हम करते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट याद है यस मैम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो जी फिक्स कॉस्ट कितनी 22,000 की रिकवरी प्रॉफिट कितना 60,000 का प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कमा के दे रहा है पी वन 4.4 निकालो यूनिट्स और नियरेस्ट यूनिट और बोल रहे हैं इसका मतलब आंसर पॉइंट्स में आएगा बताओ 18,636.36 अच्छा अब बताओ नियरेस्ट यूनिट इसमें क्या होगी बुद्धि लगा के बताना क्या नियरेस्ट यूनिट 18,636 होगी या 18,637 होगी 6 7 होगी मैम 7 होगी क्यों seven? अरे 36 ही तो है पीछे राउंड डाउन करेंगे ना अपन इसको थोड़ा सा तो बन गया ना वो बच जाएगा फिर 60 एग्जैक्टली आपके पूरे प्रॉफिट्स की और फिक्स कॉस्ट की रिकवरी नहीं होगी फिर अगर आपने 18,636 यूनिट्स बनाई ये जो हिस्सा है इतने के बराबर आपकी कॉस्ट रिकवरी नहीं होगी यानी कि ये प्रॉफिट और कॉस्ट रिकवर करने के लिए आपको एडिशनल एक यूनिट बनानी पड़ेगी वो कितनी होगी वो होगी ये जितना भी बचा हुआ है जब तक आप 18,637 यूनिट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका ये प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट कोप अप नहीं होगा समझ गए यानी पीएम में मैथ्स के साथ साथ बुद्धि भी लगानी है कुछ समझ आया ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ठीक है ओके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं क्या इसमें नहीं 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 दीज आर नॉट फॉर्मूलाज एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है ये धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस में लाओगे ना जो चार पांच मैंने कल बताए थे फॉर्मूलाज वही है और राधर अब तो फॉर्मूलाज आएंगे भी नहीं ज्यादा ओके मैम ठीक है चलो ये लास्ट क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करो देन इट शुड बी हैंड्स ऑन एडवर्ड सेल्स टू प्रोडक्ट्स विद सेलिंग प्राइसेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एज फॉलोज सेलिंग प्राइस है कॉन्ट्रीब्यूशन है बजटेड सेल्स है फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है फटाफट से ब्रेक इवन रेवेन्यू बता दो बहुत इजी क्वेश्चन है सब कुछ दिया हुआ है और एग्जाम का क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करो बोलो ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकलेगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो और कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो दो प्रोडक्ट्स के केस में क्या होता है वेटेड एवरेज अरे वाह आंसर भी आ गया शाबाश कितना आ रहा है ये हाउ मच इज दिस हम लोगों ने आंसर भी निकाल लिया ओ भाई साहब गजब रौनक रुको 15 लाख प्लस 4 लाख
19 लाख तो न्यूमरेटर में आ रहा है 80 लाख उधर 80 आ रहा है हाँ 60 और 20 80 लाख तो 80 और अभी मैंने क्या बोला था 19 यस मैम 19 लाख और 80 लाख ये क्या रेशो आएगा इसका 0.2375 अभी सही आ रहा है तो 0.2375 अब क्या रह गया अब सीधा सीधा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कर दो फिक्स कॉस्ट इज 14 लाख डिवाइड बाय 0.2375 सो दिस इज अनदर एग्जाम क्वेश्चन 0.2375 दिस गिव्स मी 5894736 ऐसा ये अजीब सा आ रहा है 5894736.84 आ रहा है राउंड ऑफ कर दें नियरेस्ट डॉलर डाल रहा है वो तो उसने खुद ने भी ऊपर डाल दिया ये 37 पे आंसर इज डी बोलो समझ आया सबको भाई अभी तुम्हारी ट्रायल क्लास चल रही है नेक्स्ट क्लास से ना जब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो जो आप लोग ये जो मैं कर रही हूँ ये आप लोग भी साथ साथ करेंगे और फोटो खींच के आई विल सी कि आप लोग कितने उस टाइम पढ़ रहे हैं समझे ना ये ऐसा चल लग रहा है कि मूवी चल रही है एंड वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 5 तो चैप्टर नंबर 5 में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते ही हैं अप्रोक्सीमेटली 6-7 मार्क्स का पेपर आपको इसमें से मिल जाता है अभी वॉट यू हैव टू डू इज इसको रिवाइज करना है आज की क्लास भी मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगी इसको रिवाइज जरूर करना फर्स्ट वाला चैप्टर है थोड़ा सा आपको पीएम से इंट्रोडक्शन में टाइम लगाएगा ग्लिचेस देगा लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आप पीएम की तरफ मूव करते जाएंगे इट विल सिंप्लीफाई योर कॉन्सेप्ट्स एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग पेपर ऑल्सो ठीक है सो नाउ बिकॉज ऑल द ट्रायल क्लासेस आर डन नाउ एटलीस्ट फॉर पीएम कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी एब्सोल्यूटली फील फ्री टू आस्क एनीथिंग बट आई विल से अगेन वन थिंग वेरी लाउड एंड क्लियर पीएम इज अ पेपर जिसमें अगर डर गए तो ये पेपर क्लियर नहीं हो रहा सो यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू हैंडल दिस ये कॉन्सेप्ट बेस पे चलेगा हर बार एक क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आता है यू विल नॉट सी एनी क्वेश्चन गेटिंग रिपीटेड सो डोंट एक्सपेक्ट दिस आपको वो बेसिक इंटेलिजेंस पीएम में क्रिएट करनी पड़ेगी इट्स रियली इजी टू स्कोर मोर देन 16 दिस पेपर बशर्ते थोड़ी सी हिम्मत रखनी है और अपने आप को इंटेलिजेंटली इस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है ठीक है सीरियस अगर रहोगे तो पीएम अभी उठाना वैसे तो पीएम जब भी उठाओगे सीरियस रहना ही पड़ेगा एनी विच वेज हर पेपर में रहना पड़ता है एनी अदर क्वेश्चन यू वुड लाइक मी टू आंसर बताइए जी मैम कोई अभी लाइव क्लासेस का टाइम डिसाइड हुआ है कि क्या रौनक एफएम में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग देयर जर्नी विद एसीसीए तो वो एफएम में रहेंगे मोस्ट लाइकली हो सकता है एफएम मॉर्निंग में हो जाए और पीएम इवनिंग में हो जाए सो इवनिंग पीएम का मतलब होगा 4:30 to 6:30 यू कैन से 6:30 से ज्यादा नहीं होने वाले More people are taking blended for maintaining speed. क्योंकि ये सबका closing है ना तो weekends पे भी people are busy. तो अगर PM में कम होते हैं most likely it is going to happen in the evening. Okay? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ जी. ma'am अगर एक weekend के बाद उसपे convert कर सकते हैं. Blended पे? Yes, ma'am. Blended से live. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Live से blended, blended से live आप कर सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. Okay. मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि शुड आई अपीयर फॉर इट और नॉट बिकॉज लाइक मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि होम बेस में दे नहीं पाऊंगी यहाँ पे बहुत लाउड नॉइज होती है एंड अगर मैं सेंटर बेस दूंगी तो वहाँ जाना इज प्रॉब्लम होली के दिन भी एग्जाम होते हैं छुट्टी नहीं होती उस दिन तो सबकी रौनक बिकॉज दिस इज नॉट अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली वो चक्कर है अजी आई विल से यू नीड टू गो विद समवन देन बट मेरे ख्याल से अटेम्प्ट मिस मत करो और अगर ये डाउट है कि भाई होली वाला दिन की दिक्कत होगी देन यू कैन ऑप्ट फॉर एफएम और एनी अदर पेपर ठीक है टेक अ थॉट ऑन दैट ये तो वैसे मुझे आपने ही बताया कि होली वाले दिन आ रहा है पेपर मैम अभी पता चल रहा है मैम 8 को है
अगर देना है तो फिर वही है, होली पड़ रही है, कुछ कर ही नहीं सकते. वो उसका स्लॉट जरूर आप लोग चूज कर सकते हो, आफ्टरनून बाद का रख लो. मैम अगर सेंटर पे रखते हैं तो 1 बजे का है तो भी होली 1 बजे से पहले तो कोई बंद भी नहीं करता. नहीं नहीं 1 बजे तो नहीं, पर दोपहर बाद तक आते आते लोग थोड़े धय होने लग जाते हैं. सो आफ्टरनून का यू कैन टेक, पर ठीक है, टेक अ कॉल बेस्ड ऑन दैट कि हाँ ये टफ कॉल तो है हिंदुस्तानियों के लिए. But you will have to take someone along with you. And even ma'am, office bhi hai, so like manage karna sab kuch itna bahut zyada hectic ho jayega. I can understand. Wo to hota hai. But chalo koi nahi. Abhi socho, 3-4 din socho. Abhi to hai Saturday tak ka time hai. Friday tak register karaoge. 5 din pura evaluate kar lo. If you feel like ki nahi mujhe option agar hai, to dusra paper le lo. Don't go with PM agar wo bilkul hi coincide kar raha hai to. Theek hai? Thank you. क्या पूछते हैं like, exactly. Like, पता है क्या, FR में भी फिक्स नहीं होता. Somebody asked me कि मैम मैं 15 दिन में पढ़ रहा हूँ. मैंने कहा कंसोलिडेशन मत छोड़ के जाना, उसी के कंसोलिडेशन नहीं आया. या मैम मेरा भी नहीं आता ऐसे तो या कुछ भी फिक्स नहीं है एक्चुअली. पर आई विल टेल यू कि PM की पास परसेंटेज सच में बेटर आ सकती है अगर बच्चा डरना बंद कर दे. मैम ये तो मैम प्लस पेपर मैम मेरे को अभी पढ़ाऊं तो लग रहा है FM जैसे ही है ये, सो इट्स लुक्स इजी. मतलब उससे अच्छा है. आई मीन ये चार्ट वार्ट और ये सब तो क्या बनाने नहीं है, इसलिए यू विल जस्ट फील लाइक यार ये क्या है. बट वो बीइंग अ लर्निंग पार्टनर वी हैव टू टीच यू, क्योंकि इसमें से थ्योरी क्वेश्चन तो आएगा ही ना. यानी आज की मेहनत में हमने 4 नंबर का कंटेंट कवर किया है, जो आ सकता है 99% नहीं आएगा. ओके बट करना तो ही ना. तो पेपर इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये भी आईडी है कि पास परसेंटेज कम है और हमारे उसकी ज्यादा है, मतलब आपके इसकी ज्यादा है. वो इसलिए ज्यादा है देविशा क्योंकि मतलब लिटरली ये पेपर मेरी ग्रिप है. नहीं, मेरी ग्रिप है और मुझे इस पेपर से डर लगना तो बहुत दूर की बात है. आई वेट फॉर मार्च एंड सितंबर व्हेन आई विल टीच PM. मैम इसलिए डर नहीं लग रहा. नहीं नहीं पेपर बहुत अच्छा है, तुम सबको ये पेपर बहुत अच्छा लगेगा. आई मीन आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स गेटिंग स्केर्ड ऑफ PM. नेवर. वो शुरू में तो थोड़े से होते हैं लेकिन आधा पेपर होते होते तक में दे लिटरली एंजॉय इट. और PM जाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि यार PM बहुत अच्छा था. मेरे टैक्स वाले बहुत रोते हैं बिकॉज इट्स वेरी डिटेल्ड. सो दे ऑलवेज से कि PM बहुत अच्छा था. मैम अभी टैक्स दिया है ना तो अब PM अच्छा लगेगा वैसे भी, क्योंकि इतने क्वांटम के बाद अब आप कह रहे हो जैसे कि शॉर्ट है थोड़ा उसके कंपैरिजन में. बहुत शॉर्ट है और तुम्हें बहुत मजा आएगा. वो जो 13-15 चैप्टर है ना उसमें से क्वेश्चन 110% आता है. okay. पक्का आता है. और वो ऐसा है अगर तुम लोगों ने FR में वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया होगा ना, जो रेशोज एनालाइज करके केस कंपनी की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं, वो उस तरह का है. तो फ्री फंड के मार्क्स है उनमें, फ्री फंड के. तो जो अपने सेक्शन सी के टेस्ट होंगे उसमें वो टेस्ट भी लूंगी. तुम्हें लिखना ही सिखाना है बस मुझे. उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ये कैलकुलेट करना नहीं आएगा, नॉट एट ऑल. ओके मैम ठीक है. सो डरो नहीं, अपने ऑफिस की टाइमलाइन जरूर लेकिन चेक करो कि ऑफिस वाले और ये होली का चक्कर. अब ये तो मुझे नया ही पता लगा आज. मैम मेरा तो सबसे इजी जनवरी दिसंबर फरवरी सब खाली. हाँ बस तो ठीक है फिर तो सब खाली, मतलब हमारे एंड पे सारा खाली रहता है. नहीं ठीक है जस्ट गो फॉर इट, रॉक दिस पेपर. ओके मैम ठीक है. हां जी आई हैव ब्लेंडेड बैच चोजन फॉर ब्लेंडेड बैच. तो इसमें लाइक व्हाट टारगेट कैन आई सेट कि कब तक सिलेबस कर लूंगा. युगांश ये हम डिस्कस करेंगे. अभी आपको क्या करना है ब्लेंडेड वालों को, PM और FM जो भी अभी लाइव चल रहे हैं अभी सेशन वाइज चलते जाओ. यानी कि जो जो सीक्वेंस में सेशंस हैं उनमें चलते जाओ. अप्रोक्सीमेटली 10-12 डेज में आई विल शेयर अ प्लानर. वो कंप्लीट प्लानर आपको बताएगा कि किस दिन पे किन चैप्टर्स की प्रॉब्लम क्लास है. वो अभी क्यों नहीं बता सकते, बिकॉज आई डोंट नो अभी कितने स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या स्पीड पे पढ़ेंगे. अगर स्पीड कम रही तो वो टारगेट मिस हो जाएगा फिर. और अगर स्पीड ज्यादा रही तो मैं खामा खामे बहुत स्लो नहीं जाना चाहती. तो वो दैट विल टेक 10-12 डेज, ताकि हमारी एटलीस्ट एक बार अभी 3 क्लासेस और हो जाएंगी ना, तब मुझे अंदाजा लग जाएगा कि बैच किस स्पीड पे जाएगा. अगर हो सकता है यहाँ पे लाइव बैठने वाले सिर्फ 15-16 बच्चे ही हो तो स्पीड खींचेंगे फिर हम. लास्ट टाइम जो बैच था उसमें 33 स्टूडेंट्स लाइव बैठते थे
लेकिन अब धीरे धीरे बिकॉज इट्स मार्च और दूसरा हमारा स्टूडेंट बेस ज्यादा शिफ्ट हो रहा है दूसरे कंट्रीज पे भी, तो वो टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से भी पीपल आर ऑप्टिंग मोर फॉर ब्लेंडेड एंड लेस फॉर लाइव. तो वो दैट अरेंजमेंट आई हैव टू सी फॉर नेक्स्ट थ्री क्लासेस कि फाइनली कौन स्टूडेंट्स है वो कितनी जल्दी कोप अप कर पाएंगे, फिर प्लानर पूरा दूंगी. एंड देन अभी तब तक के लिए सेशन वन सेशन टू सेशन थ्री सीक्वेंस में जाते जाओ, जितनी स्पीड में करोगे उतनी ज्यादा जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. एनीथिंग एल्स गाइस, एनीथिंग एल्स? नो मैम, थैंक यू. ठीक है, चलिए जी. सो बाय नेक्स्ट फ्राइडे कोशिश करके वेंसडे थर्सडे तक ही डिसाइड करना, बिकॉज आई विल गिव सम होमवर्क ऑल्सो. वी हैव डन वन कंप्लीट चैप्टर, वेंसडे में होमवर्क रिलीज कर दूंगी इसका. आप लोग उससे पहले अगर थर्सडे भी कर लेंगे एटलीस्ट होमवर्क करने का टाइम मिल जाएगा, वरना नेक्स्ट वीक सैटरडे ही बिल्कुल अगर आओगे कि हाँ भाई अब मुझे लाइव क्लास का लिंक दे दो, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो एंड यू ऑल्सो टू डू दी होमवर्क. तो वो दो तीन दिन में सोच के डिसाइड करके टेक अ फाइनल कॉल एंड स्टार्ट स्टडी. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. किसी और को ज्वाइन करना है करो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो कि अपने खुद डिसाइड करने में 10 दिन गंवा दिए. 10 दिन मतलब 3 chapters, दैट्स द कॉस्ट ऑफ 10 days. सो जस्ट इवेल्युएट योर टाइम और इसको फिर डिसाइड करके टेक अ कॉल. ठीक है, वी विल मीट ऑन सैटरडे नेक्स्ट वीक देन. ओके, टेक केयर मैम. चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय मैम, बाय.